नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। पिछले 16 साल से सिंधु समाज की सिंधु विंग जरूरतमंदों को कंबल और उनके जरूरत का सामान वितरित करती है। इस साल भी रीवा के साईं मंदिर के पास सिंधी समाज के लोग एकत्र हुए, वहां पर कंबल और फल के साथ जरूरत का सामान भी वितरित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेश शुक्ल भी मौजूद रहे। लगातार 16 साल से ठंड की शुरुआत में ही जरूरतमंदों को सिंधु यूथ विंग ने रीवा के साईं मंदिर के पास वितरित किया कंबल और फल। इस मौके पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेश शुक्ला सहित सिंधु समाज के तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। सिंधी समाज की अग्रणी संस्था सिंधु यूथ विंग ने लगातार 16 साल से ठंड के शुरुआत में ही जरूरतमंदों को फल, उनकी जरूरत के सामान और कंबल को वितरित करने का काम प्रारंभ किया है, वह आज भी जारी है। इसके वितरण के लिए सिंधु समाज बाकायदा एक हफ्ते पहले से ही सर्वे का अभियान चलाता है। सर्वे में जरूरतमंद लोगों को छांट कर अलग किया जाता है, उनको टोकन दिया जाता है, निश्चित तारीख पर किसी एक जगह एकत्र होने की बात कही जाती है। इस बार साईं मंदिर के पास सबको बुलाया, जरूरतमंदों को बुलाया, उनकी जरूरत की सामग्री वितरित की। सिंधी समाज का सिंधु विंग लगातार 16 सालों से बगैर किसी स्वार्थ के इस तरीके का आयोजन करता चला रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जो वाकई में जरूरतमंद होते हैं। कड़कती ठंड में उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता जिसको वह ओढ़कर बिछाकर ठंड से बचने का इंतजाम कर सके। ऐसे लोगों को मदद पहुंचाना वह भी खोज खोज कर काफ़ी बड़ा काम है, ख़ास तौर से आज के दौर में जब आदमी अपनों के लिए ही वक्त नहीं निकाल पाता। ऐसे में जरूरतमंदों को खोजना फिर उनको मदद देना वाकई समाज सेवा की एक बड़ी मिसाल है, जिसे बरकरार रखा है सिंधु समाज के लोगों ने। रीवा के साईं मंदिर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेश शुक्ल भी खास तौर से मौजूद रहे। उन्होंने भी सिंधी समाज के इस समाज से जुड़े हुए निचले तबके के लोगों के लिए काम की पूरी भरी सराहना की। कड़कती ठंड में मंदिर मठों के बाहर दिन रात काटने वाले निसहाय लोगों की मदद के लिए समाज से ही सामने आ रहे हैं, जिसका बड़ा उदाहरण देखने में नजर आया शुक्रवार की दोपहर सिंधु यूथ विंग के द्वारा कंबल वितरण और फल वितरण कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने फल और कंबल का वितरण सिंधी समाज के लोगों के साथ किया, जहां पर अलग अलग स्टॉल बनाए गए थे। स्टॉल के पीछे सिंधी समाज के सारे जिम्मेदार लोग मौजूद थे, जिन्होंने सिंधु समाज के बैनर पर फल और कंबल वितरित किए। विधायक ने कहा, सिंधु समाज के द्वारा व्यवस्थित ढंग से पहले जरूरतमंदों का सर्वे किया जाता है और उन्हें टोकन वितरित किया जाता है। इसके बाद जरूरतमंदों को यहां पर वस्तुएं वितरित की जाती हैं, जो प्रशंसनीय है। सुनिए रीवा विधायक पूर्व मंत्री ने कंबल वितरण के बाद साईं मंदिर के पास पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। सिंधु यूथ विंग को के सभी पदाधिकारियों को, सचिन डुडानी जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि लगातार 16 वर्ष है जब वो ठंड के शुरू होते ही कंबल लेके और खाद्य पदार्थ लेके और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। जो लोग वास्तव में नीडी हैं उनको टोकन देते हैं, पिछले एक हफ्ते से सर्वे करते हैं और उन लोगों को टोकन बांटते हैं और उनको कहते हैं कि आप टोकन लेके फलानी तारीख को फलानी जगह शंकर जी के मंदिर के सामने आ जाइएगा, यहाँ पर आपको सामग्री का वितरण होगा। तो आज आप देखिए कि सब टोकन लेके आए हैं, अपना टोकन दिखा रहे हैं और यहाँ पर समाज के सभी प्रमुख लोग एक एक करके एक एक सामग्री के सामने खड़े हैं और उनको दे रहे हैं। तो सिंधु यूथ विंग की मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।